खबर है भारतीय क्रिकेट के नए बॉस की। बीसीसीआई को आज नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। सौरभ गांगुली की जगह अब पूर्व क्रिकेटर रोजर विन्नी संभालेंगे बोर्ड की कमान। रिपोर्ट देखिए। पूर्व क्रिकेटर रोजर विन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष होंगे। आज एजीएम की बैठक में रोजर विन्नी के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि ये बैठक अब महज एक औपचारिकता है। रोजर विन्नी के नाम पर पहले ही सहमति बन चुकी है। 67 साल के रोजर विन्नी कर्नाटक से आते हैं। 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। रोजर विन्नी बतौर ऑलराउंडर टीम का हिस्सा रहे हैं। भारत के लिए रोजर विन्नी ने 27 टेस्ट मैच खेले हैं। वहीं 72 वनडे में भी टीम का हिस्सा रहे हैं। करियर में 124 विकेट अपने नाम किए हैं और 1459 रन बनाए हैं। आने वाले समय में रोजर विन्नी के सामने कई चुनौतियां होंगी। उन्हें कई कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अगर देखें तो सौरभ गांगुली बीसीसीआई का अध्यक्ष बने रहना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने अपनी कमान रोजर विन्नी को सौंपने का फैसला किया। सौरभ गांगुली की अध्यक्षता में जिस तरह से कोरोना काल में क्रिकेट को वापस मैदान पर लाया गया, उसकी काफी तारीफ होती है। सौरभ गांगुली अब बंगाल क्रिकेट संघ में अध्यक्ष के रूप में वापसी करने को तैयार हैं। आज बीसीसीआई के एजीएम की बैठक में आईसीसी चेयरमैन पद को लेकर भी चर्चा होगी। आईसीसी बोर्ड की 11 से 13 नवंबर के बीच मेलबर्न में बैठक होगी।